अपेक्षित है, ठीक है, इसका उपयोग क्या क्या है। तो जो जल का उपयोग है, हम लोग विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं, जैसे कि चार क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, घरेलू उपयोग है और सार्वजनिक उपयोग है, इन सभी में हम लोग जल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कृषि के क्षेत्र में है तो जो भी कृषि के टाइम पे जो भी पादप है या जो भी फसल है उसकी वृद्धि के लिए आपका जल का होना आवश्यक है, ठीक है। जल में जल के जो बिना जो भी पादप हैं उसकी वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाएगी और फसलों का भी उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में जैसे कारखाने वगैरह हो गए तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, हम लोग जल का उपयोग करते हैं, जैसे बहुत सारे मटेरियल्स बनाने के लिए, जैसे कि आयरन उद्योग में कागज़ उद्योग है या फिर स्टील का उद्योग है, तो वहाँ पर भी हम लोग जल का उपयोग करते हैं। तीसरा नंबर आता है घरेलू उपयोग में, घरों के काम में, जैसे कि बहुत सारे कार्यों में हमको पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, जैसे कि खाना पकाने में, भोजन ग्रहण करने के लिए खाना जो आप भोज्य पदार्थ है उनको धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, इन सभी के लिए हमको पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है आपका सार्वजनिक उपयोग में, तो सार्वजनिक उपयोग में जैसे कि जो हमारे आसपास की गलियां हैं जो सार्वजनिक है जिसको सभी लोग उपयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि बगीचे वगैरह हैं तो उसका भी देखभाल करने के लिए भी पानी की आवश्यकता हमको होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो ये सभी उपयोग हैं जल के। देन नेक्स्ट आपका आता है जल के स्रोत और विशेषताएँ और उसकी रोकथाम, ठीक है, सोर्सेस ऑफ वाटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेफ वाटर, सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन एंड प्रिवेंशन, ठीक है। तो जल का जो स्रोत है, मतलब जल आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे, तो तीन सोर्सेस होते हैं। पहला होता है वर्षा का जल, मतलब रेन वाटर, दूसरा होता है सतही जल, मतलब सरफेस वाटर, और तीसरा होता है ग्राउंड वाटर, यानी कि गहरा तलीय जल, ठीक है। जो वर्षा का जल होता है वो जो जल है वर्षा का जो जल है वो पानी का एकमात्र प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। अधिकांश जो हमारी जनसंख्या है वो इसी जल के ऊपर ही निर्भर रहती है, ठीक है। जो वर्षा का जल है वो सर्वाधिक शुद्ध प्रकार का जल होता है, लेकिन जैसे ही वो हमारे वायुमंडल के संपर्क में आता है और धूल से, मिट्टी और गंदगी से मिल जाने के कारण जो वर्षा का जल है वो प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि वर्षा का जो जल है वो ज़मीन पर गिरने के बाद बह जाता है और कुछ मात्रा में जो आपका ग्राउंड वाटर है वो तल में ही जम जाता है, तल में ही बच जाता है, जिस जो कि क्या करता है, ग्राउंड वाटर का निर्माण करता है। नेक्स्ट आता है कि अगर वर्षा का जल बह जाने से व्यर्थ